हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग के एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग जब GB व्हाट्सएप अगर यूज करते होंगे तो आप लोगों को GB व्हाट्सएप में कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा होगा। आप लोग जब भी यहाँ पर लॉगिन कर रहे होंगे GB व्हाट्सएप को अपने व्हाट्सएप नंबर से, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम आ जा रहा है। ये कुछ दिन पहले से ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। यहाँ पर लिखता है यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉग इन, यानी कि ये जो है कह रहा है आप लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप में करके लॉग इन कीजिए। GB व्हाट्सएप को यूज करने के लिए नहीं बोल रहा है। आप लोगों को व्हाट्सएप जो है ऑफिशियल, जो भी व्हाट्सएप है प्ले स्टोर से आता है, उस व्हाट्सएप पर जाकर के आप लोगों को लॉग इन करना होगा, तब जाकर के उस नंबर से लॉग इन होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से जो है आप एकदम बिल्कुल उसी नंबर से आप यहां पर जो है अपने GB व्हाट्सएप को लॉग इन कर सकते हैं, बिल्कुल GB व्हाट्सएप आपका चलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहां से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपको सबसे पहले खोजना है GB व्हाट्सएप। जहां भी आपका GB व्हाट्सएप है उस GB व्हाट्सएप पर चले जाना है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा GB व्हाट्सएप, इस GB व्हाट्सएप में मेरा प्रॉब्लम है। तो GB व्हाट्सएप में क्या करना है, इसको सबसे पहले इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ऐप इन्फॉर्मेशन, ऐप इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। उस ऐप इन्फॉर्मेशन पर जा करके आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ आएगा। और आने के बाद यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टोरेज, स्टोरेज यूजेज आप लोगों को दिख रहा होगा। ये रहा स्टोरेज यूजेज, जो कि यहाँ पर कुछ MB भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो चीज़ दिखा रहा होगा, एक क्लियर डाटा दिखा रहा होगा और एक क्लियर इंच दिखा रहा होगा। तो आप लोगों को क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से क्लियर ऐप डाटा ये इसके ऊपर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल 0 MB, मतलब 0 MB का हो जाएगा, और ये जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर डाटा आप लोगों का GB व्हाट्सएप का जितना भी डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये नहीं आप लोग सोचिएगा कि मेरा जो भी GB व्हाट्सएप का चैट वगैरह है वो भी डिलीट होगा, बिल्कुल नहीं जी, ये सब नहीं डिलीट होगा। आपका GB व्हाट्सएप में जितना भी चैट फोटो है वो सारा का सारा चीज़ रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को फिर से ये जो है GB व्हाट्सएप में उस प्रकार से करने के बाद फिर से इसके ऊपर आप लोगों को इस वो में आ जाना है, और इसको में आने के बाद फिर से आप लोगों को जो भी न्यू जो भी आपका नया प्रकार से जैसे GB व्हाट्सएप आप डाउनलोड करके लॉगिन करते होंगे उस प्रकार से यहाँ पर खुलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज रहने देते हैं, इसके बाद एरो पर क्लिक करते हैं। एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आप लोगों को एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से जो है आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन करना है आपका GB व्हाट्सएप, उस नंबर को यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर यस के ऊपर ऑप्शन आएगा, तो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यस के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा फिर से यहाँ पर कंटिन्यू आएगा, तो कंटिन्यू के ऊपर भी क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा OTP ऑप्शन मांग रहा है, तो अलाउ कर देना है। यहाँ पर अलाउ जो भी मांगता है अलाउ कर देना है, और अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मिनट चलेगा और यहाँ पर OTP भी आ जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरिफिकेशन OTP आ करके ले लेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली जो है वो मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और फिर से यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है, और जो भी अलाउ मांगता है उसको अलाउ कर देना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी आपका बैकअप रहेगा वो बैकअप भी यहाँ पर आ जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप लोगों को करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा GB व्हाट्सएप लॉग इन हुआ या फिर नहीं हुआ, और मेरा जो भी चैट है वो वापस आया कि नहीं आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से नेक्स्ट के ऊपर आप लोग क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो भी है यहां पर इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर जो भी चैट है वो सारा का सारा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ग्रुप है, ग्रुप भी आपको यहाँ पर दिखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रुप आ गया, यहाँ पर चैट आ गया, ये जो चैट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपका यहाँ पर है वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ग्रुप है, यहाँ पर स्टेटस आ गया, और यहाँ पर चैट आ गया, वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से GB व्हाट्सएप आप अपने मोबाइल में लॉग इन कर सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए ओके बाय बाय, टेक केयर।